मैं हूँ पिंकी आर्या एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना स्किन केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ, विच इज वेरी सिंपल। आज अभी 2-3 हफ्तों से मैंने अपना जो स्किन केयर है वो एकदम सिंपल कर दिया है, क्योंकि मुझे बहुत सारे ब्रेकआउट्स होने लग गए हैं। मे बी मैं इतने सारे प्रोडक्ट यूज करती हूँ इस वजह से हो सकता है, या फिर मैंने देखा है कि अब मेरा जो स्किन के अंदर ऑयल सेक्रेशन है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा ऑयली स्किन फील हो रही है मुझे। और पिंपल्स के मार्क्स तो हैं ही, एक दो ही है मार्क्स, वो तो चले जाएंगे, बट मेरे को बहुत ज्यादा ऑयलीनेस फील हो रही है मेरे स्किन के ऊपर, और ऑयलीनेस की वजह से मुझे पिंपल्स होना स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैं नहीं चाहती, और मॉनसून इतना हैवी है यहाँ पे कि ह्यूमिडिटी एकदम से बन जा रही है, बारिश हो रही है, फिर बहुत तेज धूप हो रही है, बारिश हो रही है, फिर बहुत तेज धूप हो रही है। इस वजह से जो स्किन का पीएच बैलेंस है वो खराब होता दिखाई दे रहा है। तो आई होप कि ऐसा कुछ, आई होप मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा होगा। लाइक कलकत्ता का जो मौसम है वो भी ऐसा ह्यूमिडिटी वाला ही होता है, या फिर आप महाराष्ट्र पुणे की तरफ ले लीजिए, वो भी ह्यूमिडिटी वाला मौसम ही होता है। तकरीबन लोग बहुत ज्यादा सांवले डार्क हो जाते हैं। इस टाइम के लिए कुछ ऐसी चीज चाहिए जो बहुत ही लाइट वेट हो, येट बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस हो, स्किन के लिए बहुत ही अच्छी हो, और वो हमारे स्किन को इनहेंस करे, लाइक ग्लो भी दे, मॉइस्चराइज भी करे, पिंपल्स को भी कम करे, सारे बेनिफिट चीजें उनके अंदर मिल जाए। तो इसके लिए मैं बहुत सिंपल आजकल चल रही हूँ, एकदम सिंपल चल रही हूँ। आप लोगों को लगेगा भी नहीं कि पिंकी इतना सिंपल चल सकती है, बट मैं बहुत सिंपल चल रही हूँ अपनी स्किन को लेकर आजकल के आजकल। तो ये है मेरा कोजी सोप, आप देखेंगे यहाँ पे मैं लिंक डाल दूंगी, बहुत लोग ओरिजिनल का लिंक मांग रहे हैं। एक्चुअली थोड़ा महंगा हो गया यार ये, मेरे को डालते हुए शर्म सी आ रही है, वो सस्ता होता तो पता नहीं क्यों। ये कोजिक सोप है, आपको पता ही बहुत जल्दी पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, एकदम से हाथ से निकल जाएगा, तो इसको एक पॉलिथीन बैग में रखना पड़ता है, नहीं तो ये बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा एक दिन के अंदर ही। और ये इससे मैं फेस वॉश कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं टोनर यूज कर रही हूँ। एक्चुअली ये आयुर का टोनर है, और ये इसको मैं दिखाती हूँ, आपको कलर से पता लग जाएगा ये आयुर का टोनर है, लेकिन मैंने इसको स्प्रे बॉटल में डाल लिया, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है इसको स्प्रे करना, तो मैं इसको स्प्रे कर लूंगी। टोनर आप इस टाइम बिल्कुल भी ना भूले, और मैं कोशिश करें कि कोई ऐसा टोनर यूज ना करें जिसमें आपको लगाने के बाद आपको नरिशमेंट या फिर ऑयलीनेस फील होता हो। टोनर से आप क्लिंजिंग कर सकते हैं, टोनर अपने बैग में जरूर कैरी कीजिए इस टाइम में, और ऐसा टोनर यूज कीजिए जो आपकी स्किन को हल्का फुल्का ड्राई आउट करता हो। ये उनको लोगों के लिए बात करिए जिनकी स्किन में बहुत ज्यादा ऑयल आ रहा है, और ये मेरा यकीन मानिए इन सब चीजों से आपकी स्किन बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाएगी। तो पहले टोनर लगा लेते हैं, गर्दन का एरिया ना भूले बिल्कुल भी, और स्किन के अंदर इसको पुश कर दे। ये मेरा डे टाइम ही है, दिन के समय की मैं बात कर रही हूँ, रात के समय की नहीं। अभी जस्ट इसके बाद मैं रात नाइट टाइम का मैं रूटीन शेयर करूंगी आपके साथ। जब ये हो जाए बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है, और स्किन एकदम ड्राई हो जाती है आपकी, ऐसा लगेगा नहीं कि आयुर्वेद का टोनर बेसिकली बहुत अच्छा है। और डे टाइम के अंदर मैं एलोवेरा जेल यूज करती हूँ, लेकिन मानिए एलोवेरा जेल से अच्छा कुछ नहीं है। प्लांट वाला भी यूज कर लेती हूँ, प्लांट वाला बेसिकली नॉर्मली मैं प्लांट वाला यूज करती हूँ, बट यहाँ पर मैं ऐसे काट कूट के दिखाऊंगी नहीं। प्लांट वाला यूज करने से मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आप जो मेरे पोर्स है वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होते हैं। एलोवेरा जेल हमेशा यही काम करता है, एज ए प्राइमर ये काम करता है इसलिए, और पोर्स विजिबल नहीं होते इसके, इस वजह से ये ऑयल जो है ज्यादा नहीं निकालता है, बहुत अच्छे से नरिशमेंट देता है। आपको पता है एलोवेरा के बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है, तो मैं यहाँ पर वाओ का एलोवेरा जेल यूज कर रही हूँ, एकदम नेचुरल है। और कितना अमाउंट लेना, मैं थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट लेती हूँ अपनी स्किन के लिए, हमेशा हर एक चीज में हल्का ज्यादा इतनी अमाउंट है, ये मेरे नेक और स्किन दोनों के लिए काम आ जाएगी, और इसको लगा लूंगी आराम से। और बस इसको मैं ब्लेंड कर दूंगी, बिल्कुल इसको सूखने में टाइम लगता है, मतलब ये एलोवेरा जेल है तो आपको पता होगा ये हल्का टाइम लेता है सूखने में, एकदम एब्जॉर्ब होने में हल्का टाइम लेता है, बट इससे अच्छा स्किन के लिए अभी फिलहाल मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। एकदम नेचुरल चीज है, आपको कोई भी परेशानी भी नहीं होगी, और आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि आपने बहुत सारा कॉस्मेटिक अपने स्किन के ऊपर डाल दिया है। बहुत अच्छे से हल्के हाथों से मैं इसको अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। आपको शायद पता ना हो एलोवेरा के अंदर सनस्क्रीन प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो आपकी स्किन को डार्क होने से बचाती है, आप समझ सकते हो डार्क होने से बचाती है। इस टाइम में एलोवेरा जेल बहुत बहुत ज्यादा अच्छा आपकी स्किन के लिए,
और इसको बस 4 से 5 मिनट लगते हैं सूखने के लिए, 4 से 5 मिनट लग जाते हैं क्योंकि मेरा अमाउंट बहुत ज़्यादा है। अगर आपने कम अमाउंट लगाया तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा, 1 मिनट लगेगा। और ये हल्का आपको स्टिकीनेस फील होगा अभी क्योंकि ये सूखा नहीं है, सूखने के बाद एकदम क्लियर, एकदम बढ़िया सा चेहरा आपको आपके सामने हो जाएगा। एंड द लास्ट में यूज करती हूँ आई क्रीम, बिल्कुल वादी की आई क्रीम है, मैंने बिल्कुल खत्म कर दी है ये आई क्रीम। अब देखिए कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है, तो इसको मैं ले लूंगी अपने हाथ के ऊपर। आई क्रीम बहुत जरूरी है, खास करके जब आप बहुत ज्यादा सो रहे हो और बहुत ज्यादा नहीं सो रहे हो, तो मैं इसको अपने आई के नीचे लगा लूंगी। अब अपना काजल लगा लीजिए। मैं पाउडर अवॉइड करती हूँ क्योंकि पाउडर अपने आपकी जो पोर्स है उनको बंद कर देता है। तो बेसिकली जिन लोगों की बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है वो एलोवेरा जेल ट्राई कीजिए और पाउडर अवॉइड कर दीजिए। अभी फिलहाल मैंने एकदम सिंपल रखा अपने स्किन केयर को, मैं नहीं चाहती कि इतने ह्यूमिड के अंदर मैं बहुत सारे प्रोडक्ट लेयर अप कर लूँ अपनी स्किन पे और मेरे पोर्स वो बंद हो जाए। और रही बात इसकी कि तो मेरे को पिंपल्स नहीं चाहिए भाई बिल्कुल भी फेस पर, इसलिए मैंने अभी जितना सिंपल रखा उतना ही अच्छा है, स्किन को ब्रीथ करने दे रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, कुछ लगाओगे तो भी वो निकल के बाहर आने वाला है, तो इससे अच्छा है कि प्रोडक्ट आप इतना लगाए ही ना। ये था मेरा स्किन केयर जो अभी मैं फिलहाल यूज कर रही हूँ मॉनसून सत्र में, मॉनसून सत्र मैं यूज कर रही हूँ, और आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। जेनुअली बस यही है, आप इतना करेंगे उससे ही फर्क बहुत पड़ेगा, 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, लेकिन आप इसको हफ्ते भर करेंगे तब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ स्किन का जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा इंप्रूव हो रहा है, ओपन पोर्स जो है वो खत्म हो रहे हैं। एलोवेरा के बेनिफिट्स आप सभी लोगों को पता है कितने ज्यादा हैं, और मैं हमेशा टोनर जो है आयुर का यूज करती हूँ, स्किन इसलिए ज्यादा ब्लैक नहीं हो पा रही क्योंकि मैं कोजिक सोप यूज कर रही हूँ। तो ये सारी चीजें लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और अंडर आई क्रीम बहुत सस्ती है, सस्ता ही एलोवेरा जेल है, बस कोजिक सोप थोड़ा सा आपको महंगा पड़ सकता है, बाकी एकदम सिंपल बजट फ्रेंडली ये स्किन केयर है मेरा। और नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन भी मैंने चेंज कर दिया, मैं डेफिनेटली आपको साथ वो भी शेयर करने वाली हूँ। और ये मैं कब तक रखूंगी ये मैं नहीं बता सकती क्योंकि कब तक बारिश होगी, कब तक मेरे स्किन में पिंपल्स बंद होंगे, मैं उसके बाद ही मैं स्टार्ट करूंगी कोई नया स्किन केयर रूटीन और जो करूंगी। और अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक हाई एंड स्किन केयर रूटीन वोत्र का ट्राई किया है, डे क्रीम एंड नाइट क्रीम, उसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, बट वो मेरा एडिट करना रह गया है, पहले मैं ये डालूंगी बिकॉज मॉनसून अभी चल रहा है। बट जिनको हाई एंड प्रोडक्ट के चाहिए तो आप मुझे नीचे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं वो वीडियो डाल दूंगी। और उसका एक सीरम भी है वो भी बहुत अच्छा है, मतलब वो फॉर ऑयली स्किन वालों के लिए है इसलिए। तो ये था मेरा अभी का स्किन केयर रूटीन, मैंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ है इसलिए मैं थोड़ा अजीब लग रही हूँ, बट कोई बात नहीं। ये स्किन केयर रूटीन आप भी फॉलो कीजिए, बहुत सिंपल है, इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं है। अच्छा मैं एक बात और बता दूं, ये टीनेजर्स भी यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ जो 20-22 साल से ऊपर के लोग हैं जैसे हम लोग, वो लोग भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, जेन्युइन लगती है, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ फॉलो कर लीजिए मुझे इंस्टाग्राम पे, सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। एंड वेरी सॉरी मैं कुछ दिनों से रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, कुछ दिनों नहीं एक्चुअली मैं 2-3 वीडियो के ही रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, बाकी मैं सबके रिप्लाई कर देती हूँ। तो अगर आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा तो आप प्लीज मेरे कम्युनिटी टैब को चेक कर लीजिएगा, वहां पर मैंने पोस्ट डाली हुई है, मैं बार बार यहाँ पर नहीं बोलूंगी। अगर बस यही है, सारी चीजें आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। आपकी कोई भी सजेशन या क्वेरी हो तो प्लीज मुझे कॉमेंट के थ्रू बताइएगा, मैं सभी का रिप्लाई करूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, अल्लाह हाफिज, जय।